सो हाँ जी दोस्तों, आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, ये अपना डे 4 है। जैसे गाइज आपने पिछली वीडियो में देखा ही था कि अपना बैलेंस लाइव अकाउंट का बैलेंस था वो लगभग 6,412 के अराउंड था, ठीक है, लगभग 6,500 रुपये मान लो आप, तो इतना बैलेंस था। तो अभी गाइज आप लाइव अकाउंट भी जैसे देख पा रहे हो कि 7,350 लगभग बैलेंस है अपना। तो गाइज ये मैंने जैसे कि अपने ग्रुप में सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से इतना बैलेंस हो गया ये। तो गाइज आप ये मत देना कि आप पिछली वीडियो में कितना बैलेंस छोड़ा था या फिर इस वीडियो में कितना बैलेंस है। गाइज आप वो चीज चेकआउट करना कि मैं 20% टारगेट को अचीव कर रहा हूँ या नहीं। तो गाइज जैसे कि तीन पार्ट जो मैं बना चुका हूँ, तो गाइज जो पिछला पार्ट था उसमें तो मैंने आपको ट्रेडिंग करके नहीं दिखा पाया, लेकिन गाइज अब से चाहे मैं अगर 7 का अगर इसमें 70 भी कर दूंगा तो तब भी मैं आपको 20% टारगेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइज अपना जो डेली टारगेट है वो 20% का, जैसे कि आपको बताइए, तो आज भी हम 20% अपना करेंगे, ठीक है। और अगर अगर आपको कोटेक्स के फ्री सिग्नल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप हमें टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली शो शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपको कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन ओलंपिक की अकाउंट बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू अकाउंट बना के मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, जब मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इसका कितना अमाउंट बनेगा। तो गाइस बैलेंस अभी देख लो 7,349 है, ठीक है। ये हमने किया 20% निकाला इसका, तो लगभग इतना हमें प्रॉफिट करना है, ये लगभग 1,500 मान लो जी, ठीक है, इतना प्रॉफिट करना। आप इसको प्लस करते हैं जो अपना बैलेंस है 7,349, 7,349। तो टोटल टोटल का जो हमें बैलेंस करना है अपना 8,800, ठीक है, लगभग हमें टोटल अकाउंट में इतना बैलेंस करना है, अभी देख लो, तो इतना हमें प्रॉफिट करना है। चलो गाइज आप ध्यान से केयरफुली चेकआउट करना, ठीक है, कि मैं किस वैसे तो मैं आपको वीडियो में बताता ही हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली है, क्या रीजन है, तो वो भी आप चेकआउट ध्यान से करना, ठीक है ना, कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। चलो पहले कोई पेयर ढूंढते हैं अच्छा सा, 90% मिल गया गाइस, 90% के जितने पेयर्स हैं सभी को ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो NZDCHF पे देखते हैं कुछ मिलता है तो, हमें 1 मिनट पे तो कुछ नहीं दिख रहा, 2 मिनट पे देखते हैं, 2 मिनट पे गाइज यहाँ पे हमें ट्रेड मिली है अब के लिए। अब गाइज देखो मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लेस करी थी, अब देखो कितनी ऊपर जाके प्लेस हुई है, 2% की मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है, लगभग 8% हो जाएगा अगर विन होती है तो। वैसे गाइज विन तो होनी चाहिए, लेकिन रीजन यहाँ पे क्या था देखो वो चीज आपको बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ली है मैंने, समझ में आ गया होगा रीजन हॉरिजॉन्टल लाइन से। वैसे जो भाई बिगिनर्स हैं उनके लिए आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखो अपनी क्लियर विन हो चुकी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट यहां से ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने इसको सॉरी रेजिस्टेंस भी बनाया था एक बार, ठीक है, नहीं, सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट अपना ब्रेक हो गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक हुआ ये सपोर्ट, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना फिर ये, ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हल्का सा ब्रेक हुआ, लेकिन अगर इस वाली कैंडल को अगर ये इसकी बॉडी ब्रेकआउट कर देती नीचे की साइड तो फिर इसका चांस था कि ये वाली कैंडल अपनी डाउन ही जाएगी। ये इसकी जो वीक थी इसकी वीक को ये जो कैंडल थी इसकी बॉडी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इसलिए मैं यहाँ पे अप के लिए गया था, तो ये रीजन था, ठीक है। वही जैसे कि मैं तीनों पार्ट में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि मैं 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये चारों टाइम फ्रेम यूज करता हूँ जब जाके एक सिग्नल मैं निकालता हूँ। और गाइज सेम ऐसे ही मैं अपने पब्लिक ग्रुप में जो सेशन लेता हूँ उसमें देता हूँ। गाइज अभी आप चेकआउट करना मेरे पब्लिक ग्रुप को, कंटिन्यूसली डेली शो शॉर्ट विदाउट मार्टिंगल आप चेकआउट कर लेना एक बार, डेली गाइस श्योर शॉट देता हूँ डेली, ठीक है। तो अभी अपनी ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है, अभी नेक्स्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं डाउन ले रहा हूँ गाइस, 3 प्लेस कर रहा था यहाँ पे 5 प्लेस हो गई, ये ना गाइस एक तो ये हो जाता है
2 मिनट। अब देखो यहाँ पे रीजन, ये रीजन है देखो प्लेस करने का, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट अपना ब्रेक हुआ था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट को इसने वो रेजिस्टेंस बनाया था, फिर यहाँ पे गया सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, ठीक है, फिर वहां से डाउन आई थी। अब सेम यही कंडीशन थी यहाँ पे बस। अब देखो इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है, और एक तो ये कंडीशन मुझे दिखती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये भी ठीक है 3 मिनट पे, कोई नहीं गाइस कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी ये यहाँ पे ठीक है, रिवर्सल जोन था ये, 3 मिनट पे कुछ नहीं दिखा हमें, 5 मिनट पे ठीक है। तो गाइस 5 मिनट हमें सिग्नल मिल चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, लगभग 30% का रिस्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैं ले ली आपकी डेट, और ये गाइस 64 विन होगी अपनी, चाहे आप लिखवा लो बिल्कुल 100%। टाइमिंग आप चेक कर लो कितने टाइम के लिए मैंने यहाँ प्लेस करी है ट्रेड, और लो आपके सामने कंपाउंडिंग कर दी। तो गाइस ये श्योरिटी होती है, आपको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब गाइज मुझे तो अपने सिग्नल पर ट्रस्ट है, इसलिए मैंने देखो आपके सामने फुल लाइव कंपाउंडिंग कर दी, बिल्कुल आपके सामने कंपाउंडिंग करी है। अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गाइज बिल्कुल मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कंपाउंडिंग करना, ठीक है, 1% भी आपको नहीं बोलूंगा कि आप कंपाउंडिंग करना। और गाइज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना आपको हमेशा, ठीक है। तो अभी देख लो ये अपनी गाइस क्लियर विन होगी, गारंटी है बिल्कुल, चल लिखवा लो आप, 201% लिख के दे सकता हूँ आपको कि अपनी 64 विन होगी है गाइस। कॉन्फिडेंस है आपको, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप भी लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब देख लो आपके सामने ये थर्ड ट्रेड चल दिया है, अपनी फर्स्ट वाली विन गई थी, सेकंड वाली में अपने लॉस हुआ, थर्ड में कवर कर दिया। अब गाइस देखो मैं रिस्क आपके आपके सामने सिर्फ 30% का लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पे जब श्योरिटी मिली तो मैंने बाकी बैलेंस की भी कंपाउंडिंग कर दी। तो आपके सामने देख लो क्या बोला था मैंने, 201% कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, लो आपके सामने लाइव कंपाउंडिंग कर दी मैंने। आज का प्रॉफिट आपको दिखा देता हूँ, लो $115 का मतलब समझते हो, जहां पे गाइज हमने सिर्फ 2000 रुपीज से स्टार्ट किया था, आज अपना डे 4 है, डे 4 में देखो एक दिन का प्रॉफिट है ये, अराउंड 9000 के अराउंड होगा मे बी, ये गूगल करता हूँ एक बार मैं इसको, तो गाइस एक बार मैं इसको देख इस प्रॉफिट को गूगल करता हूँ एक बार आपको दिखाता हूँ फिर। लो गाइस $115, ₹9400, और जहां पर हमें कितना बैलेंस करना था ओनली लगभग 8800, और हमने बैलेंस कितना कर दिया देख लो आप ही। तो गाइस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एक काफी जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसका आपको टारगेट दिखाता हूँ एक बार, ये कितने डे का टारगेट हो गया अपना गाइस, 3 दिन में आपने इतना टारगेट अचीव कर दिया, सॉरी 4 दिन में। अभी टारगेट दिखाता हूँ मैं आपको कितने दिन का था, ठीक है, यार 13473 रुपये, यानी कि लगभग 13500 का बैलेंस मान लो, ठीक है। अभी देखना अभी गाइज देखो, जैसे कि गाइज मैंने स्टार्टिंग अपनी 1000 रुपीज से की थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में 2000 से दिखाया था, ठीक है। तो गाइज अगर मैं अपने 1000 के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो देखो अपना अकाउंट का बैलेंस है वो लगभग 13500 हो चुका अभी, ठीक है। तो 13500 लगभग देखो ये मान लो कितने दिन का हो चुका है, आपको गिन दिखाता हूँ एक बार, 1 2 3 गाइज लगभग 14 डेज का टारगेट हमने सिर्फ ओनली 4 डेज में कंप्लीट कर दिया। ये गाइज 1K की सीट है, ठीक है, 1000 रुपये की सीट है ये। अब गाइज ये वाला देखो, टोटल जो इतना प्रॉफिट होगा अपना 30 डेज में, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है 2000 रुपीज की है, डेली टारगेट है वो 20% का रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ, तो ये अपना बैलेंस लगभग इसमें आप गाइज ये वाला मान लो 12300, ठीक है, वैसे 13500 का बैलेंस है। तो गाइज 10 दिन का बैलेंस देख लो सिर्फ 4 दिन में, तो गाइज ये कंपाउंडिंग पावर होती है, ठीक है।
तो गाइज बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और जो मैं ट्रेडिंग करी वो कैसी लगी, वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या फिर क्या चीज़ अच्छी लगी वो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है? अगर अगर आपको कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो गाइज चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट डे 5 में, ठीक है? आज का अपना जो टारगेट था कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइज अब वीडियो को एंड करता हूँ मैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना।